में वर्षों पुरानी दुकान को तोड़ने का मामला सामने आया है। हवा महल पान भंडार नाम की दुकान पर कार्रवाई हुई है। नगर परिषद प्रशासन को हाई कोर्ट दे चुका है दुकान नहीं हटाने के आदेश। समय समय पर शुल्क देने के बाद भी परिषद प्रशासन ने तोड़ी है दुकान और फिर भी परिषद प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करी है। बिना किसी नोटिस और सूचना के दुकान पर चला है बुलडोजर। परिषद प्रशासन ने मनमानी करते हुए ये कार्यवाही की है और सिर्फ एक ही दुकान पर क्यों चला पीला पंजा, बड़ा सवाल। आखिर किसके इशारे पर पालिका ने छीना रोजगार? साथ ही कार्यवाही के बाद जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं जिम्मेदार और कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के मंत्री मौके पर खुद थे मौजूद। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सामने कार्यवाही हुई, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं नेताजी, बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है। साथ ही जनता ने हितों की रक्षा के लिए बैठाया है कुर्सी पर, फिर भी आमजन की रोजी रोटी पर ही चला दिया बुलडोजर। सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, सवाई माधोपुर से। उनके पास आपको सीधा ले चलते हैं और उनसे जानते हैं वहां के ताजा हालात। सुनील, क्योंकि आप मौजूद है उसी दुकान पर, क्या कुछ ताजा हालात आप अभी देख पा रहे हैं और लोगों का क्या रिएक्शन है अभी इस वक्त, पहले ये बताइए। सोनल, देखिए कि सुबह से जिस तरह से प्रमुखता से सच बेधड़क पर यह खबर चल रही है, जनहित की खबर है, जनता की खबर है, क्योंकि जिस तरह से एक आम दुकानदार की रोजी रोटी छीनी जाती है, दादागिरी से प्रशासन अपनी दादागिरी से बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, और जबकि ये तो लीगल दुकान थी, हाई कोर्ट इस पर स्टे लगा रखा था किसी भी तरह की टूट फूट का। और साथ ही साथ जो ये यहाँ दुकान थी, बड़ी बात ये बताना बेहद जरूरी है कि ये जो दुकान का मालिक है ये नगर पालिका को अपना किराया दे रहा था। अगर अतिक्रमण था तो किस बात का किराया नगर पालिका प्रशासन जो ले रहा था, और आज इस अतिक्रमण कहकर इस दुकान को तोड़ा गया, ये बिल्कुल किसी के दबाव में आकर की गई कार्रवाई है। साफ इशारा है कि किसी के इशारे पर ये कार्रवाई हुई है, और जैसे ये कार्रवाई उसके बाद जो सवाईमाधोपुर के लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें आक्रोश देखा गया। आसपास के जो व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनमें आक्रोश देखा गया, क्योंकि लोगों को आक्रोश जायज है। बाजार के बीच में इस तरह जो दुकान होती है, प्रशासन अपनी दादागिरी से बिना किसी बात को सुने, बिना किसी से बात किए, बिना किसी कोई सूचना के किसी की रोजी रोटी को छीन लेता है। वाकई में बड़ा सवाल है प्रशासन पर कि आखिर ऐसी कार्रवाई किसके दबाव में करते हैं। वो तो जनहित की बातें करते हैं, और ये पूरी कार्रवाई जो इस सरकार में एक मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, पास में खड़े थे, और उनके जो आंखों के सामने इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जब कोई नेता जनता के बीच में आता है चुनाव से पहले, हाथ जोड़कर जनहित की बातें करता है, जब उनको सत्ता तक पहुंचाया जाता है, तो इस तरह से जो कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि उनके सामने गुहार लगाई जा रही थी, प्रशासन से लगातार ये मांग की जा रही थी कि ये किसी की रोजी रोटी का सवाल, इसको मत डालिए, लेकिन प्रशासन ने किसी की कुछ नहीं सुनी। हाई कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पर जो अवमानना है वो की गई है, अवैधानिक तरीके से इसको ढाया गया है। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों में आक्रोश भी है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, और वो दुकान भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो ये दुकान है इसको ढाया गया है। और अभी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है, अब वापस जो सामान है उस सामान को देख रहे हैं, क्योंकि लाखों का सामान भी इस दुकान में रखा था, उसको भी किसी ने बिना कुछ सुने प्रशासन के लोग आए, बुलडोजर साथ में लेकर आए, और कहां जनता की गुहार को सुना जाता है, और उसी को देखते हुए उसके बाद में इसको ढहाया। तमाम लोग जुटे यहां पर, और लोगों में जो आक्रोश है वो देखा गया लगातार, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब जो वो दुकान मालिक है वो इस सामान को देख रहा है, क्योंकि गाड़ी पूंजी जो उनकी होती है उससे सामान आता है, सामान को बेचकर अपना घर चलाते हैं। जो लोग यहां पर जुटे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि आप सुबह जब ये पूरी कार्रवाई जब हुई थी आप यहां पर मौजूद थे, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, प्रशासन ने दादागिरी की आप यहां पर देख रहे हैं, और अब शाम हो चुकी है, क्या कहेंगे? परिवार, मैं इस परिवार का ही सदस्य हूं एक। मुझे जब जानकारी लगी तो मैंने यहां सब कुछ लुटा पिटा देखा, बुलडोजर राज का सीधा सीधा उदाहरण देखा। हमारे बड़े भैया, मेरा भतीजा यहां पे दुकान पे था, उसने जो भी लोग आए थे यहां पे, बताया जा रहा है कि यहां के जो अभी नवनिर्वाचित हमारे MLA साहब है वो भी थे और आयुक्त भी थे, तो उनके सामने उनको बताया गया, आयुक्त को कागज भी दिखाए गए,
बाकी उन्होंने कागज देखने से मना कर दिया और सीधा सीधा इन्होंने बुलडोजर चला दिया। ये मेरा मानना है देश में लोकतंत्र की हत्या का सीधा सीधा उदाहरण देखे जा सकता है। और ये सवाई माधोपुर के मैन चौराहे की दुकान है, ये इन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है। हमारा इससे पूरा परिवार का पिछले 50 सालों से ये दुकान है बस ये, और पूरा जो परिवार का पालन पोषण होता है हमारा इसी परिवार से होता है। हम इसका किराया देते हैं, लाइट का बिल जमा है, और ये तो दुकान तो बिल्कुल साइड में है अतिक्रमण का, तो और अगर है तो हमें नोटिस दिया जाता, अगर लोकतंत्र है तो नोटिस भी दिया जाता ना, तो नोटिस भी ऐसा कुछ नहीं दिया। आते ही सीधा सीधा पता नहीं उनका क्या आपसी द्वेष था या क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। हम तो जबकि व्यापार वर्ग के लोग हैं हम लोग, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से ऐसा कुछ तो होता नहीं है, हम तो अपना धंधा करते हैं, अपना पेट पालन करते हैं, अपने बच्चा, हमारा मेरा भतीजा जयपुर से आया हुआ है, वो इसलिए थोड़ा सा मजबूरी दुकान पे बैठा हुआ। तो ये मेरा मानना बहुत गलत किया है, और जो भी जिन लोगों ने भी ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मैं सवाई माधोपुर की जनता से ये आह्वान करूंगा कि वो इस जो इन्होंने कार्रवाई की है इसको मामूली ना समझें, मतलब छोटी मोटी कार्रवाई ना समझें। ये आज हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी होता है, हो सकता है। तो सभी माधवपुर के जितने भी व्यापार मंडल है मैंने उनसे कहा, मैं आ गया सभी लोगों के पास तो जा नहीं सकता, तो मैंने उनसे यहीं बैठ के जितने भी लोग आए, क्योंकि मैन चौराहे की दुकान है, हर तरह के लोग आते हैं, प्रशासनिक शासनिक जितने भी तरह के लोग, किसान वगैरह सब तरह के, मैन चौराहे सर यहाँ से। तो मैंने सभी लोगों से आह्वान किया कि हमारा आह्वान ये है, सवाई माधोपुर कल बंद रहेगा, मेरा ये कोशिश है, सभी से मेरा कहना है कि आप माधोपुर को बंद करें, और देश के प्रशासन को, देश के मतलब ऊपर जितने भी लोग हैं उनको ये पता चल सके कि ये बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है ये कार्रवाई, तानाशाही है, तानाशाही का सीधा सीधा उदाहरण है। थैंक यू। देखिए कि जो ये पीड़ित का दर्द है जो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है, और किस तरह से जो कार्रवाई है उसका विरोध यहाँ पर किया गया है, ये बड़ी कार्रवाई जो बताई गई है, अतिक्रमण की बात कही गई है, ऐसी कोई बात यहाँ पर सामने नजर नहीं आई। ये जो दर्द है ये साफ बता रहा है कि किसी के इशारे पे, किसी के दबाव में आकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक दुकान नहीं टूटी है सोनल, इसके पीछे पूरा एक परिवार चलता है, और वो परिवार की जो रोटी रोजी रोटी है उसका ये सवाल होता है। और जब दुकान टूटती है तो किसी व्यापारी का, किसी एक छोटे दुकानदार का, परिवार की रोजी रोटी का तो सवाल है, साथ ही साथ उसके हौसले भी टूटते हैं, क्योंकि किसी तरह की जो रोजी रोटी शुरू करना, ऐसी एक दुकान शुरू करना बहुत उम्मीदों के साथ शुरू करता है, कई उसकी जो पूंजी है वो यहां पर लगी होती है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, ये जो कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे इसके बारे में, प्रशासन की क्या दादागिरी है? ये दादागिरी प्रशासन की, और ये गलत किया जो भी किया प्रशासन ने, प्रशासन को सोचना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, गलत किया है। और हमारी जामा मस्जिद की तरफ की केबिन है उनको भी हटाएगी, दादागिरी से हटाएगी, कोई अतिक्रमण नहीं था, कोई वो नहीं था, फिर भी उनको भी हटाया गया और भी हटाया जा रहा है, ये गलत है प्रशासन का और मंत्रीगण का भी, ये भी गलत है उनका तरीका। वो तो हटाइए इसको तो नहीं, इस तरह की जो कार्रवाई गलत तो है ही, क्या आप मानते हैं कि जनता की कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ कहीं कहीं बातें बोलते हैं कि जनता का हम ध्यान रखते हैं, जबकि कोई ध्यान नहीं रखता, ना प्रशासन रखता है ना ही नेता रखते हैं, ना तो प्रशासन रख रहा है ना जनता नेता रख रहे हैं, ये गलत तरीका है इनका। वोट मांगने की टाइम पे तो जनहित हम ऐसा कर देंगे, आप आपको रोजगार देंगे, आज जीतने के बाद हमको उजाड़ा जा रहा है, पब्लिक से यही है, सभी दुकानदारों से यही है, कल बाजार बंद रखा जाए, बस आह्वान करते हैं। बिल्कुल सोनल, देखिए कि जो आक्रोश है वो दिख रहा है, लोग भावुक हो रहे हैं, जो ये प्रशासन की जो जिस तरह से जो मनमानी है उस पर जो रोष है वो साफ तौर पर लोगों की आंखों में देखा जा सकता है, शब्दों में जो साफ तौर पर झलक रहा है। और साथ ही साथ ये आह्वान भी कर रहे हैं कि ये कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी, कल जो माधोपुर का जो ये बाजार है ये भी बंद रखा जाएगा, और प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाई जाएगी कि जनता अत्याचार नहीं सहेगी। क्योंकि साफ तौर पर ये हम नहीं कह रहे हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, हर व्यापारी दुकानदार जो यहाँ पर खड़ा है वो अपनी बात रख रहा है, वो अपना जो दर्द है
वो यहाँ पर दिखा रहा है कि आखिर फिर जनता के पास बचा ही क्या, जब अपने अधिकार वो अपनी रोजी रोटी ही नहीं बचा सकता तो फिर वो क्या बचा पाएगा। जो लोग जुटे हुए हैं इसी आवाज के साथ एकजुट होकर यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सुबह से डटे हुए हैं और लगातार प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर आए अधिकारी, जो अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, उनको सस्पेंड करने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ जो नेताओं की यहाँ पर चर्चा की जा रही है उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि चुनाव खबर पर बने हुए हैं लगातार सबके जहन में, सबके मन में। और जब आप वहां गए तो आपने लोगों से जब बात की होगी ऑफ द कैमरा भी, तो लोगों के मन में यही सवाल होगा ना कि आखिर एक ही दुकान क्यों जिसको इस तरह से ध्वस्त किया गया। और ये जो दुकान है 50 साल बहुत बड़ा समय होता है, 50 वर्ष तब से दुकान लग रही है, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई और ना ही पेपर्स देखे गए। ये हर चीज की अवहेलना हुई है, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है, यानी कि अगर आपने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी है तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। वहां पर कुछ और भी परिवार के लोग होंगे, सुनिए एक बार उनसे बात कीजिए कि आखिर कब उनको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ या कब उनको ये जानकारी मिली। साथ ही क्या लोग ये मानते हैं कि इस तरह के नेता सच में प्रदेश को संभाल पाएंगे? बिल्कुल सोनल, बेहद जरूरी सवाल जो आप उठा रही हैं, ये सवाल वाकई में बनता है और इसका जवाब भी आना जरूरी है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई उससे पहले ना नोटिस दिया गया है, दूसरा जो मनमानी हाईकोर्ट का स्टे यहां पर है उसको नहीं माना गया है, तीसरा जो आचार संहिता है और उस वक्त में प्रशासन इस तरह की कार्रवाई को नेताओं के साथ आकर अंजाम दे रहा है वो भी बड़ा सवाल है, और जो तीसरी बात है कि पहले किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है, जो दुकानदार है उसको भी नहीं पता कि जिस रोजी रोटी पर मैं जा रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगी, और उसके बाद जब उसके साथ गुहार लगाई जा रही थी प्रशासन के सामने तो कोई कुछ नहीं सुना है। और जो पीड़ित परिवार है उससे बात करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या बीती है, वो अपना दर्द भी जो उनके जहन में है वो यहाँ पर पता चलेगा, और किस तरह कब उनको पता चला, ये जब कार्रवाई को अंजाम देने जब आए थे अतिक्रमण बता रहे थे, क्या नोटिस की बात तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिली, उससे पहले किसी तरह का फोन कॉल या आपको क्या कहा गया, क्योंकि रोजी रोटी को ढा रहे थे और आपको तब तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात है, सुबह बच्चा दुकान खोलने के आया था तो 9 बजे की समथिंग की बात है, जब मैं फ्रेश होकर आ ही रहा था इतनी देर में बच्चे का फोन आया कि सर अतिक्रमण वाले आ गए बुलडोजर लेके, तो मैंने कहा कागज दिखा दो इनको, बोला कागज दे दिए, लेकिन आप भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे उस वक्त? मैं घर पे था, घर पे 9 बजे की बात है, मैं 9:30 बजे आता हूँ मैं दुकान पे, दुकान खोल के बच्चा चल जाता है उसके बाद में मैं आता हूँ, उसकी जब तक मेरे को सूचना मिली कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तो 5 मिनट ये देख लो 10 मिनट के अंदर तो पूरी दुकान उन्हें तहस नहस कर दी उन्होंने। जब उनको कागजात दिखाने की बात की जा रही थी तो क्या उन्होंने जरा भी सुनने की कोशिश की? नहीं, कोशिश बिल्कुल नहीं की, उनने कागज दिखाए थे और रख लिए, उनने फिर रख के कोई जवाब नहीं दिया, सीधी कार्रवाई की, जबकि नगर परिषद में इसके दुकान के कागज वगैरह सब मौजूद है, किराया जमा होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स नगर परिषद के पास भी है। इस तरह बीच बाजार में एक दुकान को यहाँ पर ढहाया जाता है, हो सकता है आगे और भी लोगों के साथ इस तरह का वो तो कर सकते हैं, क्योंकि खुलेआम दादागिरी हो रही है, एक दुकान के लिए इतना लवाजमा आता है, किसी की कुछ नहीं सुनता है, क्या दबाव है प्रशासन पर, किस तरह की जो प्रशासन दबाव में आकर या परेशान करने की जो कार्रवाई की कर रहा है? हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ, क्या ये कार्रवाई के एक अलग चीज होती है, ये तो एक तरफा है बिल्कुल, यानी संभलते हर आदमी सुनता है देखता है, कागज अगर गलत हो तो आप कार्रवाई करो, लेकिन कागज सब ओके है, किराया वगैरह सब जमा है, इसका हाई कोर्ट का डिग्री बनी हुई है बाकायदा। आप दुकानदार हैं, मालिक हैं, आपको इस पूरा लग रहा है आपकी बातों से बिल्कुल भावुक है, दर्द है, क्या कहेंगे? प्रशासन खुलेआम दादागिरी पर उतर गया है बीच बाजार में? खुलेआम बिल्कुल सरासर दादागिरी है, ये एक तरफा दादागिरी है, यानी व्यक्ति विशेष का समझ करके कार्रवाई की गई है। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आपके साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यही जनता की सबसे अच्छी जो खूबसूरती वो देखने को मिलती है कि जब किसी के साथ गलत हुआ तो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, हमें आए 2 से 3 घंटे हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा है, आगे क्या प्रशासन तक बात पहुंचाएं, क्या कार्रवाई करेंगे? प्रशासन से यही मैं करता हूं कि इस तरह की गर किसी और के साथ भी नहीं करें, ये जो चीज है वो गलत है, गलत तो गलत है, यानी आप कार्रवाई करते हो आप लीगल कार्रवाई कीजिए।
अन्यथा गलत कार्रवाई नहीं कीजिए किसी की। आप आइए, आप और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात बताइए आप भी यहाँ पर किस, ये जो कार्रवाई हो रही है बीच बाजार में, क्या क्या कहेंगे? अतिक्रमण के एक साल होगा, आदन तो विधायक साथ में आया कदम तो हटाने के आया, वो तो बताओ हमको, कभी बताओ, राजनीति कुछ भी नहीं है, विधायक किसी के साथ में आता है अतिक्रमण हटाने के लिए, आदन तो आया हो तो बताओ। गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। ये राजनीति के उसके दलालों की दलाल आए साथ में, दलालों दलाल लेके आए उसको, ये कैबिनेट नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए कि किस तरह से जो जनता का जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है, गुस्सा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीति का शिकार जनता को बनाया जा रहा है, जनता के साथ जो गलत किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये कई तरह के जो दबाव है, राजनीतिक दबाव भी है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव, और किस तरह से जो खुलेआम ये जो काम किया गया है सरासर तौर पर गलत है। सवाई माधोपुर बंद करने की बात यहाँ पर कही जा रही है सोनल, और लगातार जो सच बेधड़क अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, जनता की बात जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचा रहा है, उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को, और इस तरह की जो कार्रवाई है उससे पहले कई बार सोचना पड़ेगा कि जनता के कोई अधिकार छिन तो नहीं रहा है ये सरासर तौर पर, क्योंकि लोग, हम नहीं कह रहे, लोगों ने, हर एक जो यहाँ पर मौजूद लोग है वो साफ तौर पर जो सच बेधड़क के साथ अपनी बातचीत में बताया कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, जनता इस तरह की चीजों को आगे बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो हुआ है इसका भी जवाब जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे लिया जाएगा। वहां पर मौजूद है और आप उस स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच आप मौजूद है, और आपने उस परिवार से भी बात करी जिनकी दुकान ये है, जिनकी दुकान ध्वस्त हो गई लगातार, क्योंकि लोग वहाँ मौजूद है, और लोगों से जानना ये बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठते हैं कि मीडिया सवाल कर रहा है, कोई पर्सनली सवाल कर रहा है, लेकिन ये हमारे सवाल नहीं, जनता के सवाल है, क्योंकि जनता चाहती है कि उन तमाम सवालों का जवाब दिया जाए कि आखिर एक तरफा ही ये कार्रवाई क्यों की गई, और अगर ये कार्रवाई की गई तो प्रशासन कहाँ था, और जब प्रशासन मौन था तो प्रशासन मौन क्यों था, क्या प्रशासन के हाथ में इतनी पावर नहीं है कि अपना डिसीजन खुद ले सके, या किसी मंत्री के कहने से वो कुछ भी कर डालेगा? बिल्कुल सोनल, प्रशासन यहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा था, जो मालिक है वो यहाँ पर नहीं था, जो दुकान पर जो मौजूद जो दुकान मालिक ने बताया कि उनका बेटा वहाँ पर पहुँचा था और लगातार प्रशासन के सामने गुहार लगा रहा था कि कागज़ देख लिए जाएं, उसके बाद दुकान मालिक ने भी बात करने की कोशिश की कि मैं दुकान पर पहुँच रहा हूँ, यानी भरसक हर प्रकार से कोशिश की गई है, प्रशासन के सामने गुहार लगाई जा रही थी, गिड़गिड़ा रहे थे कि इस तरह से गलत नहीं किया जाए, जनता के साथ अन्याय नहीं किया जाए, हर प्रकार के जो कागजात हैं जो लीगल होने को का सबूत है वो हर एक सबूत आपको दिखा देंगे, लेकिन आप रुको, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। अभी जो दुकान मालिक आपको बता रहा था, जनता सुन रही थी कि वो जब यहाँ पर पहुंचा तो पीला पंजा जो है दबाव का, जो कानून की धज्जियों का पीला पंजा है वो यहाँ पर चला रहे थे, और जो दुकानदार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो बेबस होकर बस उस नज़ारे को देख रहे थे, और वो दर्द है वो अब सच बेधड़क के सामने आ रहा है जिसको जनता देख रही है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कुछ नहीं सुनी गई है, दुकान मालिक अपनी जो कागजात, अपने सबूत है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके आया था, दबाव में आया था, या फिर किसका प्रेशर था उसके साथ यहाँ पर पहुंचा, और इस जो कार्रवाई है इसको अपनी मनमानी, अपनी जबरदस्ती के साथ अंजाम दिया और चला गया, रह गया सिर्फ टूटा फूटा जो ये सामान है वो, टूटी फूटी दुकान, और उसको देख देख कर यहाँ पर परेशान हो रहा है, दर्द जो भरा है जो पीड़ित परिवार है उसके अंदर। बिल्कुल सुनील, क्योंकि लगातार ये बहुत बड़ी अवहेलना हुई है, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हुआ है, जहाँ पर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई है, और क्योंकि अब ये जानना होगा कि आखिर उस पर क्या एक्शन लिया जाता है सरकार द्वारा, और क्या इस जो मामले को, क्या इस मामले को समझा भी जाता है कि नहीं जानता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन लोगों का तो नुकसान हो गया, अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, ये जो नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रशासन को, जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर जो गलत तरीके से इस तरह के जो जो कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली जाएगी। जो जनता है उसको जो भरोसा रहता है प्रशासन पर, तो ये भरोसा तभी कायम होगा तब इस तरह की जो कार्रवाई की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो पीड़ित परिवार है उसको भरण पोषण भी दिया जाए, उसका संज्ञान लिया जाए, और अगर पीड़ित परिवार आगे भी इस पर खुद भी कार्रवाई करेगा, लगातार बातचीत आ रही थी, जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी हम आगे तक जाएंगे, कोर्ट तक पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले सरकार और जो यहाँ के नेता लोग हैं और जो प्रशासन है उनको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होंगे। कल जो बाजार बंद है उसकी भी बात यहाँ पर कही जा रही है, और आगे जो भी कानूनी रास्ते हैं वो यहाँ पर अपनाए जाएंगे, क्योंकि किसी तरह से अब ये जनता है ये पीछे हटने वाली नहीं है, ऐसा साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया। आगे की जो जिस कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो क्योंकि जिस तरह से सामने आया है कि पीड़ित परिवार के पास हर प्रकार के जो कागजात है उन कागजात के आधार पर, साथ ही साथ अगर स्टे था तो स्टे होने के बावजूद प्रशासन ये कार्रवाई क्यों किया, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। अवैधानिक जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है, तो इसका भी जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अभी आचार संहिता जो चल रही है उसके तहत जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर मंत्री भी मौजूद थे और मंत्री के साथ प्रशासन आया था, अगर ये होता है इस तरह की बातें सामने आ रही है, कुछ विजुअल भी यहाँ पर मिले हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसको लेकर भी शिकायतें की जाएंगी, ऐसा पीड़ित परिवार लगातार बता रहा है, क्योंकि हर प्रकार से जो प्रशासन है एक तरफा बिना किसी की सुने अपने मन में जो आया वो कार्रवाई की गई है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो जायज अतिक्रमण वो भी जब होता है तो पहले नोटिस दिए जाते हैं, उनके पास जो उनका सामान जो रहता है उसको सुरक्षित रखने की जो एक बकायदा टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं देखा गया। अतिक्रमण नहीं होने के बावजूद भी, जबकि अलग अलग जो कोर्ट के जो कई आदेश ऐसे हैं, सरकार ने साफ तौर पर कह रखा है कि जो थड़ी ठेले या इस तरह के जो दुकानदार है, फुटकर व्यापारी है, उनका रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए, अगर वो अतिक्रमण में है तो उनको जो अपना रोजगार चलाने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। गलत हुआ है इसका जवाब सच बेधड़क भी प्रशासन और नेताओं से मांग रहा है, और जनता भी मांग रही है, और जनता आगे भी कार्रवाई इस पर करेगी, चाहे अपनी आवाज दुकान बंद रखे, बाजार बंद रखे, विरोध प्रदर्शन करके, धरना देकर, और उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाने की भी बात ये लोग कह रहे हैं। ठीक है सुनील, आप अपनी नजर बनाए रखिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये सब हुआ है, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। और देखिए क्योंकि लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से वो सारा अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से एक दुकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, ना नोटिस दिया जाता है, आचार संहिता चल रही है, उस दौरान एक सरकारी काम किया जाता है, और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहां पर हुई है। लगातार ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी कुछ अपडेट आएगा आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे।